मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में बनी मध्य प्रदेश सरकार के गठन के 6 महीने पूरे होने के बाद खरगोन में कांग्रेस विधायकों ने जिले की मीडिया को संबोधित किया। दोनों विधायकों ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। विधायकों का कहना है कि फिलहाल सरकार को काम करने का पूरा अवसर नहीं मिला, लेकिन इतने कम समय में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने रिकॉर्ड उपलब्धियां तैयार कर दी है। कांग्रेस विधायक रवि जोशी और झुमा सोलंकी के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कमलनाथ सरकार के 6 माह के कार्यकाल में देखते हुए इसमें कई सवाल भी उठे गए जिसका जवाब भी आपने दिया। इस प्रकार की उपलब्धियाँ रही 6 माह में इस प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी ने जो वचन दिए थे मध्य प्रदेश की जनता को, उसमें हम बहुत कुछ 90% सरकार आगे बढ़ चुके हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य हम लोगों का ये रहा है कि प्रचार प्रसार में हमारी कमी रही है, और साथ ही साथ 6 माह जो हमें काम करने का अवसर मिला उसमें 3 माह आचार संहिता के दायरे में हम लोग बढ़े थे, नहीं तो आज आप देखते और आगे बढ़ जाते। लेकिन आप प्रचार प्रसार के माध्यम से हमने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमारा प्रचार प्रसार और सरकार ने जो 6 माह के अंदर उन वचनों में सरकार बढ़ी है, माननीय कमलनाथ जी आगे बढ़े हैं, तो उसमें आप लोगों का साथ, जनता तक बात आप लोगों के माध्यम से जाए यही हम चाहते हैं, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया द्वारा जो है यहाँ पर जिला चिकित्सालय में शिक्षकों कमी की मांग रही है, सरकार भी कैसे देखो ये आज जिला चिकित्सालय के अंदर जो डॉक्टरों की कमी आप महसूस कर रहे हैं उसका कारण है कि 15 वर्षों की सरकार जिम्मेदार है, सरकार ने कोई पॉलिसी और व्यवस्था नहीं दी, और महाविद्यालय में शिक्षकों की और स्कूलों में शिक्षकों की कमी के लिए भी पिछले 15 वर्षों की सरकार जिम्मेदार है। अभी हमारी सरकार को 6 माह हुए, हमने जिला चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से पिछले दिनों मांग करी, हमको मेडिकल कॉलेज से 2 डॉक्टर सप्ताह में उपलब्ध कराएं जब तक हमारे डॉक्टरों की कमी दूर नहीं हो, उस पर भी उन्होंने तत्काल हामी करी। और हम ये मानते हैं कि 1 जुलाई के पहले इस जिला चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों की टीम प्रति सप्ताह आएगी। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा सत्र पिछले 15 वर्षों से जब चालू होता था तो आधा शिक्षा सत्र निकल जाता था, उसके बाद शिक्षकों की भर्ती होती थी, लेकिन हमारा यह मानना है कि जुलाई और 15 अगस्त तक हम शिक्षकों की भर्ती कर लेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब न हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, हमारा प्रयास है कि 15 अगस्त के पूर्व हम शिक्षकों को। हम देखें तो पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है, डॉक्टरों की बहुत सत्ता हो सकता है, लेकिन देखें तो मेडिकल की जो फीस है वो बढ़ा दी गई, जो MBBS की जाना उसको बढ़ाए, क्या प्रयास करेंगे आप सरकार से कि मेडिकल की फीस कम हो ताकि अधिक से अधिक डॉक्टर आए सामने और ये कमी भी दूर हो। देखो प्रयास होना चाहिए कि मेडिकल की फीस कम हो, लेकिन साथ में ये प्रयास होना चाहिए कि सीटें बढ़े। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है, इस सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर 650 सीटें मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई है, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक नौजवान को पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को। अभी 16% जो फीस बढ़ाई जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? 16% फीस बढ़ाई जा रही है, वो हर साल एक फीस कमेटी है, वो कमेटी तय करती है, वो काम सरकार फीस बढ़ाने और घटाने का काम सरकार नहीं करती, फीस कमेटी का। भैया मेरा सवाल ये था कि बिजली होने के कारण लोगों को बिजली नहीं मिल रही, रात को 2 बजे लाइट चले जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है, पिछले 15 वर्षों की सरकार जिम्मेदार है, क्या हुआ 15 साल पहले जिस गली के अंदर 1000 हॉर्स पावर का जिस शहर में करने की आवश्यकता थी, आज बढ़कर उस शहर के अंदर 3000 हॉर्स पावर की बिजली चाहिए, व्यवस्था वो 15 साल में सुधारी नहीं, उसका खामियाजा अगर कहीं गली में जनता को भुगतना पड़ रहा और हमको भुगतना पड़ रहा, तो 15 साल की सरकार जिम्मेदार है, उन्होंने नए खंभे खड़े करवा दे, उन खंभों की अगर आप क्वालिटी देखेंगे कि 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार में जो क्वालिटी होती थी 15 साल की सरकार में, वो क्वालिटी न खंभों की रही, न तारों की रही, न काम की रही। कब तक सुधार हो जाएगा? बहुत जल्दी हम सुधार करेंगे। बहुत इंदिरा गृहस्थी योजना में 150 यूनिट के बाद में बिल काफ़ी आया है और किसान काफ़ी परेशान है, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शिकायतें लेकर पहुँच रहे हैं। हमने पिछले 2-3 माह पूर्व ही विद्युत विभाग की कुछ कमेटियां बना दी, जो विसंगति पूर्वक बिल ज़्यादा आ जाते हैं उनको कम करने के लिए वो कमेटी महीने में एक बार
सकती है, ऐसा कोई प्रकरण आप लोगों के नाले में आए कि इसको कम बिजली वापसी और ज़्यादा बिल आएगा तो हम उसकी